हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आप लोगों के थ्रू भी पता चला था कि ये पता नहीं क्या रूमर्स हैं कि एक्चुअली में हुआ है कुछ पता नहीं, पर है बड़ी कमाल की। और अगर आपको नहीं पता है तो यही है कि भाई जो शी जिनपिंग है, इनको जो है बंद कर दिया है, क्या बोलते हैं उसको, नजरबंद जो कहते हैं ना, हाउस अरेस्ट हाउस टाइप। अरेस्ट हाँ, वो कर दिया है। और ये भी सुनने क्यों में आ रहा भाई? है, वो नहीं मुझे इन्होंने पता। क्या कर दिया कि इंडिया से वापस चले गए बॉर्डर से? ये पंगा हुआ है, देखते हैं। नहीं, और साथ में जो चाइना की कई काफी सारी एयरलाइंस जो है उनको भी बाहर जाने से बंद कर दिया गया है। तो ऐसी न्यूज़ इंटरनेट में जो है बहुत आ रही या है। कोविड का पंगा पड़ा है? नहीं, मुझे लग रहा है कि इंटरनली जो है वो हटा के जो है इनको हटाएंगे और कोई और आएगा, मुझे तो ये लग रहा है। अब देखते क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और अगर ये वाकई में ट्रू है ना न्यूज़, तो वही है कलयुग। कह रहे थे ना कलयुग आएगा, वर्ल्ड नष्ट नहीं होना मतलब है, जो भी यही आपको सब हो रहा कोई है और क्या हो पॉलिटिकल रहा न्यूज तो है। कभी आपको आती नहीं है चाइना से, वही तो कह रही हूं। तो और किसी, वहां पे मतलब कोई वोटिंग नाम की चीज नहीं है, तो ठीक है, कोई ना कोई कभी ना कभी तो हटके दूसरे बंदे ना आना ही था। हाँ, और पता है, और कुछ ना पता चले अगर वाकई में चाइना से एयरलाइंस जो है बंद हुई है बहुत सारी, तो फिर उससे तो पता ही चल जाता है कि शक तो होएगा ही ना कि कुछ तो हुआ है, इसका मतलब ट्रू है न्यूज़। तो चलो शुरू करते हैं। देखें क्या है, क्या चीन में है तख्ता पलट। अच्छा क्या वही तो क्वेश्चन है हाँ, ये, क्योंकि सबको यही डाउट हो रहा है ना कि न्यूज़ कंफर्म नहीं हो पा रही ना, ऐसे इंटरनेट में जा हो रही है, नोबडी नोज। क्योंकि वहां से तो कोई न्यूज आएगी नहीं, वो तो वैसे ही सब कुछ कंट्रोल करते। कोविड ही था, उन्होंने नमस्कार सब साथियों, कुछ स्वागत छुपा है के आप सभी रखा का अंकित था। इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए कि यदि यह सच हुई हाँ तो भाई बताइए। साहब बहुत घरों के अंदर मातम बनेगा हैं? और वो हमारे पड़ोसी ज्यादा होंगे, ये अच्छा, ध्यान वही तो मैं रखिएगा। शुरू करते हैं। शी कहना जिनपिंग के बारे में निकलकर न्यूज ये आ रही है कि उन्हें घर के अंदर ही बंद करके बाहर से चाबी मार दी है। बिल्कुल वैसे ही गया जैसे कश्मीर के अंदर जब 5 अगस्त के दिन था सरकार ने, या वहां पर यूनियन टेरिटरी का भाग बनाया उसे और उसका ना। स्टेट का दर्जा जो है वो खत्म तो हटाया, किया था उस ना समय महबूबा मुफ्ती और महबूबा। फारूक अब्दुल्ला को जिस प्रकार से घरों के अंदर बंद करके बाहर से चाबी मारकर चाबी साथ क्या हुआ? कोई इन्फो ही है, हमें हाँ लग रहा है हमारे सेशन को भी चाइना वाले हैक कर रहे हैं, बीच में अटक हैं, रहा है। कोई नहीं, फिर से हम वही बात बताएंगे कि हमारा भी हुआ था अगर भाई। ये सब हुआ तो शी जिनपिंग के लिए सही नहीं है जो न्यूज निकल कर आ रही है। सुनने में तो ये तक आ रहा है कि चीन के अंदर शी जिनपिंग को हटा करके उनके स्थान पर सेना के जनरल को बिठाने की तैयारी हो रही है। कैसे ओ पता चला साहब आपको ये सारी बातें? चलिए आपको भी बताते हैं, बाकी मंदाजा जनरल आपका वही है। पाकिस्तान हमने की दोनों तरह ही जगह एक देखते जगह एक्सक्लेमेटरी मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि हम अचंभित हैं कि ये बात सही है या हैं, गलत वही है। हम भी अचंभित क्वेश्चन मार्क भी हैं। हमने इसलिए लगाया है क्योंकि श्योरिटी किसी के पास नहीं है जब तक कोई ऑफिशियल घोषणा वहां पर नए वहां तो नहीं राष्ट्रपति होने या वाली किसी है। और के द्वारा नहीं हो जाती। कैसे आई सर खबरें बाहर? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऋषि के कहते हैं इतने कि जब सारे जंगल में आग फ्रेंड्स लगती हैं है तो बहुत धुआं होता जिनका है, और उस चाइना धुएं में को अगर आप कांटेक्ट है, देखें उनसे तो कुछ इस पूछना प्रकार से चाहिए। देखें आप। ऋषि को साथियों, बोल के इपोक टाइम पूछना नाम की है, न्यूज एजेंसी नजरबंद है है क्या? जिसने हाल ही में बताया है कि चीन वही से पूछता हूँ सर, इतनी ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है कल के दिन वही जितनी तो आज तक कभी नहीं हुई। और जिंदगी में नहीं सबसे हुई इम्पोर्टेंट बात कभी। यह है कि इसका कोई रीजन पता नहीं है। आप यहां देखिए कि 60% सिक्सटी चाइना से उड़कर परसेंट जाने वाली बहुत बड़ी फ्लाइट्स कैंसिल कोई कर दी चक्कर गई है। है, मगर क्यों लोगों को कैंसिल रोकने कर से दी गई क्या है है? किसी को नहीं पता है। ये तो हम वो वाली बात बता रहे हैं कि धुआं, हम आग के बारे में तो जान नहीं पा रहे ना क्योंकि धुआं ही अंदर दिख की रहा एजेंसी है। तो कुछ बता नहीं रही है। ग्लोबल टाइम्स जो छींकने के बारे में कुछ बोलती है वो कुछ नहीं बोल रही है। तो हो रहा है ऐसी स्थिति कुछ, में लोग कह रहे हैं कि 60% फ्लाइट फिर आपके तो यहाँ हो रहा है क्यों रद्द कुछ। हुई जरा बताइएगा। 9,583 फ्लाइट कैंसिल हो गई, 9,500 फ्लाइट कैंसिल होना क्यों चीन के भाई, इतिहास में पहली बार कहा जा रहा पेट्रोल तो है। नहीं और खत्म हो बताएं, गया? और सुनो, आपको मालूम है रशिया से रशिया ले के लेते हैं। अंदर, रशिया से लेकर चाइना तक एक गैस की पाइपलाइन आती है जिसका नाम है द पावर ऑफ साइबेरिया। अच्छा, मैंने भी उसके ऐसे थ्रू बोला था गैस भेजना रोक दिया गया है। कि गैजप्रोम जो कि रशिया की सबसे बड़ी पावर सप्लाई कंपनी है, यानी गैस सप्लाई वाली कंपनी है, उसने चीन को भेजने वाली गैस होल्ड पर डाल दी है कि सॉरी सर क्यों अभी नहीं भेज पाएंगे आपको। गैजप्रोम की गैस सप्लाई रोक दी गई है। इसीलिए हो दूसरी गया बार होगा, धुआं गैस खत्म हो धुआं गया। धुआं हो रहा है, वो सब देखते चलिए। तीसरा धुआं देखिए, एक पत्रकार है जिनका नाम है जेनिफर जेंग, जो कहाँ कि लिखती की? है चीन के बारे में, लेकिन इनको किसी से ऑथेंटिकेट करके बताया नहीं जाता। लेकिन मैं आपको और बातें बताऊंगा, इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, आप भी ओहो, देखिएगा मेरे अच्छा नजरिए से। कहाँ का? चाइना आपको सामने का? की सड़क तो खाली दिख रही होगी, इस तरफ वाली सड़क देखिए जरा,
आपको मिलिट्री के लोग जा रहे हैं, यहाँ पर चलते हुए कुछ ट्रक दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बड़ी मात्रा में ट्रक दिखाई दे रहे हैं, सेना के ट्रक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिख जाए तो हाँ हाँ कर देना या थम्स अप कर देना। और यहाँ पर जो ट्रक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, लगभग 80 किलोमीटर की लाइन है ट्रक की, जो की बीजिंग की तरफ जा रही है। ट्रकों की ये लाइन जो है, ये न्यूज के अंदर जेनिफर जेंग ने हाल ही से 20 घंटे पहले दुनिया के सामने साझा करी। इनके की जेनिफर जेंग कौन है? ये वो है जिन्हें बहुत बड़े बड़े पत्रकार जो है वो फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग गीता मोहन एंड अदर्स, जिनकी न्यूज हम लोग शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में, वो लोग जो है ना इनको फॉलो करते हैं। तो जेनिफर जेंग कोई बीजिंग में ही रहती है। लगभग 80 किलोमीटर तक सेना का काफिला बीजिंग की तरफ गया है। बीजिंग किसी बॉर्डर पर नहीं है जहां पर सेना गई है, तभी तो न्यूज बनकर आई है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। यहाँ पर भी अखबार वाले भी कहते हुए हिचक रहे हैं, क्योंकि कंफर्मेशन कुछ नहीं आया है, माहौल गर्म है, शी जिनपिंग हो गए हैं हाउस अरेस्ट, न्यूज के अंदर पूरी तरह बना हुआ है। और आप जहां तहां देखें नजरबंद की खबर निकल कर आ रही है, न्यूज ये भी निकल कर आ रही है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, पीएलए ने कंट्रोल स्थापित कर लिया है, उनके जनरल हैं ली कियाओमिंग, हो सकता है कि वो चीन के नए राष्ट्रपति हो। अगेन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, चीनियों से भी कह देना, मैं तो खाली नहीं बोलूंगा। ये सब न्यूज जो आई है उनको अखबार वालों ने डीकोड किया है, डीकोड किया है, और सुनने में तो ये आ रहा है भाई साहब, कहानी सुनने में, सुनी सुनाई बातों को बताने में बड़ा आनंद आता है। आपको मालूम होगा 14 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच के अंदर उज्बेकिस्तान के अंदर समरकंद के अंदर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी। असल में मुद्दा तो वहीं से निकल के आने लगा था। ये भाई साहब 16 तारीख के दिन खाना खा के भी नहीं आए। रात को सोचो, जिन्होंने खुद ने फंक्शन आयोजित किया हो, ऑर्गेनाइजर जो कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका प्रमुख संस्थापक, वो रात का डिनर किए बिना निकल गया भाई साहब, मोदी जी से बिना मिले, सचिन से भी नहीं मिला, मोदी जी से भी नहीं मिला, अरे कोई नहीं शहबाज से तो मिल लेते, अपना था आपका, तो किसी से नहीं मिला भाई साहब, और बाहर निकल लिया ये बंदा। लोग कह रहे हैं कि ये जल्दबाजी में निकला, इसको घर से फोन आया, भाई साहब हो गया या तो कांड, ये उड़ा है, और उड़कर जब चाइना पहुंचा है ना तब से ही इसको पकड़कर कमरे में डाल दिया गया, ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है। आपको विश्वास नहीं होता तो ट्विटर खोल के देख लो, ट्विटर पर इस समय शी जिनपिंग नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं, बीजिंग नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंड ही ट्रेंड हो रहा है। आप यहां पर देख सकते हो रहा सहा काम इंडिया के अंदर, जो इंडिया की बीबीसी हमारे स्वामी ये जो है स्वामीनारायण स्वामी जी जो है, इन्होंने अपने द्वारा, सुब्रमण्यम स्वामी जो है, इन्होंने अपने द्वारा ट्वीट करके पूछ लिया है, पूछा है कि बताओ भाई साहब ये चल क्या रहा है, ये नए रूमर्स उड़ रहे हैं कि शी जिनपिंग अंडर हाउस अरेस्ट इन बीजिंग व्हेन शी वाज इन समरकंद रिसेंटली, द लीडर ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वर सपोज्ड टू हैव रिमूव्ड फ्रॉम शी फ्रॉम पार्टीज इन चार्ज ऑफ आर्मी। कुछ तो क्लैरिटी दो। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जैसे ही ये ट्वीट किया, वर्ल्ड के लिए पूरा दुनिया के अंदर खुला फेंका, भाई साहब न्यूज तो एकदम ट्रेंड करने लग गई कि हाँ कुछ तो मामला है। अब ऐसी स्थिति में क्या कहानी पूरी विस्तार से है ये बताएंगे, लेकिन आपके काम की एक चीज हम पहले बता देते हैं ताकि आपको बड़ा फायदा हो जाए, क्योंकि न्यूज तो न्यूज है, हम तो अपने काम के लिए साथ एकत्रित हुए हैं। काम ये है कि यदि आप में से कोई भी बंदा चाहता है क्या रोजगार, तो रोजगार के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कहता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए, मात्र 15 दिन के अंदर रोजगार पाइए, और पाने के लिए इंडिया के टॉप 800 कंपनीज में आपको रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है मात्र एक टेस्ट देकर, और वो टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंपनी का नाम है रीलेवल बाई अनअकैडमी, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप यहां पर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेस्ट दीजिए, 1000 नंबर का पेपर होगा, उस 1000 नंबर के पेपर में से 500 से ज्यादा नंबर लेकर आ जाइए। आप अगर 500 से ज्यादा नंबर लेकर आ गए तो 800 से ज्यादा नए स्टार्टअप्स, जिनमें शामिल है पेप्सिको, शाओमी जैसी तमाम बड़ी कंपनीज, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज, इनके अंदर आपको जॉब की सर्टेनिटी है, 15 दिन के भीतर भीतर जॉब मिल जाएगा। 500 प्लस मार्क्स मिलते ही जॉब की गारंटी, और वो भी 800 से ज्यादा कंपनियों में। ऐसा क्या किसी के साथ हुआ है? जी हाँ, ऐसा हाल ही में प्रतीक प्रकाश काकड़े के साथ हुआ है। 536 नंबर थे इनके, इन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव लोमास एंटरप्राइजेस के अंदर जॉब प्राप्त की है। आप भी इनकी तरह जॉब प्राप्त कर सकते हैं, अभी जाइए और इस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप इसको अटेंड करिए। और तो और, अगर आप एक बार में क्वालिफाई नहीं कर पाते तो कितनी भी बार दीजिए और फिर भी नहीं हो पाता, तो फिर आपके लिए यहां पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं कोर्सेज के, आप उनमें से कोर्सेज को सेलेक्ट करिए, आपके लिए जो भी सुटेबल कोर्स होगा वो आपके लिए दे दिया जाएगा, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ा करके फिर 500 से ज्यादा स्कोर कराया जाएगा, और अगर आप फिर कर गए तो आपका जॉब आपके हाथ में होगा। तो अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में भी है, और अपने लिए अपना हुनर आजमाइए।
अभी। चलिए तो अब आपके सामने लेकर आते हैं ली कियांगमिंग को नया राष्ट्रपति बनाने की दावे किए जा रहे हैं। शी जिनपिंग के बारे में कहा जा रहा है कि ये चाहते थे कि तीसरी बार भी राष्ट्रपति बने। तो जो तीसरी बार राष्ट्रपति बने, आपको मालूम होना चाहिए चीन में ऐसा हुआ नहीं करता था। इन भाई साहब ने खुद के लिए नियम बदल लिए थे। जब खुद के लिए नियम बदले तो जो इनसे पहले वाले लोग थे ना, उन्होंने कहा कि ये क्या भाई साहब, आपने खुद के लिए नियम बदल लिए, फिर तो हमारे लिए भी ये नियम वैलिड होने चाहिए। और यही कारण है कि नियमों की वैलिडिटी में इनसे पहले वाले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इनको हटाने की तैयारी करी। आर्मी ने सोचा कि जब दो बंदर लड़ रहे हो तो फायदा बिल्ली का होता है, और जब दो बिल्लियां लड़ रही हो तो फायदा बंदर का होता है। बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बन के कूद गए भाई साहब ये जनरल साहब, जिनका नाम है ली कियांगमिंग। सुनने में आ रहा है भाई साहब नए प्रेसिडेंट यही है, मैं फिर बोल रहा हूं, सब सुनने में आ रहा है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि यहां पर भ्रष्टाचार भी चरम पर चल रहा है। हाल ही में यहां की कोर्ट ने तो एक नजीर पेश करी है। क्या एक मंत्री जी थे साहब जिन्होंने भ्रष्टाचार किया 700 करोड़ के आसपास, कोर्ट ने फैसले में फांसी दे दी कि मंत्री को फांसी पे लटकाओ। चल कुछ खतरनाक ही रहा है, भ्रष्टाचारी कोई मंत्री था उसको कहा कि लटकाओ साहब इसको, स्टैंडर्ड सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। चीन में सब कुछ सही चल रहा है। तो भाई साहब ये मास कैंसिलेशन क्यों हुए, ये इपॉक टाइम की न्यूज जो मैंने आपके साथ साझा करी, इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि इतनी सारी फ्लाइट कैंसिल होने के पीछे की क्या कहानी है। तो कहानी सुनिए आप, आप सभी को मालूम होगा कि समरकंद जो कि उज्बेकिस्तान के अंदर स्थित है, वहां पर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर जब शी जिनपिंग पहुंचे तो बड़े ही अनइजी फील कर रहे थे, ऐसा रिपोर्टर्स का कहना है। शी जिनपिंग को अच्छा लग नहीं रहा था, हालांकि उसमें मोदी जी और शहबाज शरीफ दोनों प्रेजेंट थे, तो शायद इसलिए भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि यार शहबाज से हाथ कैसे मिलाऊं और मोदी जी से नजरें कैसे बचाऊं। और तो और इधर की तरफ अमेरिका वालों ने अलग दिक्कत कर रखी है, तो पुतिन के साथ कैसे बैठूं। हालांकि कुछ भी कारण रहे हो, लेकिन असली कारण तो यह पता लगा कि रात को डिनर पार्टी होनी थी, सब लोग बैठकर खाना खाने वाले थे, भाई जी रुके नहीं और निकल लिए। चर्चा तभी से बहुत ज्यादा गर्म हो रखी है कि यार ये तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ाया हुआ है, और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सब कुछ सही नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में साहब बड़ी दिक्कत है। लेकिन जब चाइनीज लोगों से पूछा गया क्यों चले गए साहब आपके अधिकारी, ये साहब कैसे चले गए, उन्होंने कहा कि वो थोड़ा COVID-19 को लेकर कंसर्न है। फिर लोगों ने खोज खोज के पीछे की बात निकाली, बोले साहब शी जिनपिंग तो आखिरी 2 साल से कमरे में से बाहर नहीं निकले थे, अब 2 साल बाद पहली बार बाहर निकले, आपने पीछे से कुर्सी खींच ली, कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब गड़बड़ तो बाहर आई नहीं साहब, पता चला कि 16 तारीख को जब ये लैंड किए थे ना तभी इनको गिरफ्तार कर लिया। अब आप पूछेंगे सर ये थोड़ी जम कम रही है बात, क्यों साहब, क्योंकि साहब बात इसलिए कम जम रही है क्योंकि गिरफ्तार करने वाले जो लोग होंगे ये तो सिक्योरिटी एजेंसी होंगी। अरे तो यही तो बात पता चल रही है क्या, ये दो लोग हैं, इनमें से एक का नाम है हु जिनताओ और दूसरे का नाम है वैन जियाबो। ये हु और वैन जो है ना, हु जिनताओ तो फॉर्मर प्रेसिडेंट है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के, और जो वैन जियाबो है ये वहां के पूर्व प्रधानमंत्री है। इन दोनों ने मिलकर साठगांठ कर ली कि यार अपन तो दोनों पूर्व रह गए और वो रियल में बना बैठा है, अपन दोनों मिलते हैं और इनकी सिक्योरिटी एजेंसी जो है ना उसके हेड को अपने साथ मिला लेते हैं। और इन्होंने यही किया, सेंट्रल गार्ड ब्यूरो नामक एजेंसी है जो कि शी जिनपिंग की सुरक्षा मुहैया कराती है, उसका जो प्रधान व्यक्ति है ना उसका नाम है सोंग पिंग, और सोंग पिंग को इन्होंने अपने साथ बिठा लिया कि यार सुन तू आजा अपने साथ में मिल करके कुछ ऐसा करते हैं कि तेरी फोर्सेस से कहे कि इसी आदमी को गिरफ्तार कर ले, यानी कि बाढ़ से कहे कि वो खेत को खा जाए। वही हुआ भाई साहब, और यहां पर जो हुआ उसका नजीरा आप देख लीजिए कि सीजीबी ने यहां पर तुरंत प्रकार से इनकी गिरफ्तारी कर ली, ऐसा भी निकल के आ रहा है। मैं चाइना नहीं गया और किसी भी अखबार ने इस बारे में क्लैरिटी जो दी है वो उड़ती उड़ती खबर है। सोशल मीडिया पर जो चीज ट्रेंड कर रही है मैं तो वो लिख रहा हूं आपके सामने। एक खबर है जिसका नाम है newhighlandvision.com के नाम से, उसने इस जानकारी के देते समय कहा कि किस तरह से प्लानिंग हुई थी वो सारी की सारी इस जानकारी में यहां पर निकाली हुई है। कह रहे हैं कि जो शी जिनपिंग है ना उनको डिटेन एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उनका घर है एक जुनहाई हाउस, जो कि यहाँ के चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जितने भी टॉप अधिकारी होते हैं, यानी कि जो उनके चाइनीज प्रीमियर होते हैं, चाइनीज चाइना के जो पार्टी के जो सबसे उच्चस्थ व्यक्ति होते हैं वो इस घर में रहते हैं। इस घर को चारों तरफ से पुलिस ने घेर करके उसी के अंदर रख दिया है कि अब आप बाहर नहीं निकलोगे, आपका घर ही आपके लिए पूरी तरह से जेल की भांति कार्य करेगा। तो ये बात साफ निकल कर ऐसी स्थिति में ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, फ्लाइट के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, बाकी जैसे भी कोई और जानकारी मुझे निकल कर आएगी मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। फिलहाल के लिए तो आप भी कयास लगाइए, सोच भी नहीं सकता। लेकिन हाँ आप जब इस तरह की खबर सुनते हैं तो हमारी मेहनत को थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करने का अगर मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कर जाया करिए, अगर इसमें बहुत ज्यादा जोर आता है उस बटन को दबाने में तो लाइक कर जाया करो, और कभी ऐसा मन करे कि नहीं गुरु जी एक तो एकदम बढ़िया से आज दिल खुशी हो गया है तो चैनल को शेयर करके अपने साथ वालों से भी कह दिया करो यार दबा दो सब्सक्राइब बटन, ये आदमी भी खुश हो जाएगा, है कि नहीं।
बाकी हमारे ऑफिशियली परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। टेलीग्राम पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अंकित अवस्थी सर नाम से मेरा वेरीफाइड टेलीग्राम अकाउंट है और जीके भाई अंकित अवस्थी सर के नाम से भी एक टेलीग्राम अकाउंट है, दोनों ही वेरीफाइड अकाउंट है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अपना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। तो यार है तो धमाकेदार न्यूज, मतलब बंदा आराम से सो रहा होता है, सुबह उठे तो ऐसी न्यूज सुने वो कहेगा यार सोते टाइम तो सब ठीक था, ये उठते उठते टाइम ये सब दुनिया उलट और पलट हमने कैसे हो उस गई। वक्त कहा भी था कि SEO समिट में जो फाउंडर है वो कैसे खाना नहीं खा रहा है, वही तो हमें लग रहा था, हमें लगा शायद हम तो मजाक कर रहे थे, मोदी जी नहीं खा रहे, समझ सकते हैं कि मोदी जी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं वहां पे कोई सिग्नल छोड़ के जा रहे हैं कि तुम्हारी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जो फाउंडर है वो खा के नहीं जा रहा क्यों, हमें लगा हो सकता है मोदी जी के इंडिया को मैच कर रहे हैं कि इंडिया नहीं खा रहा, हम तो यही सोच रहे थे भैया और को वजह पता लग रहा है कि वो बात नहीं है, कुछ और ही प्रॉब्लम थी जब वहां उतरे थे, उनकी गद्दी चली गई थी शायद और उसके बाद जल्दी गए। अब अगेन ये कह रहे रूमर्स हैं, पॉसिबल भी है कि ये न्यूज गलत हो, क्या पता, या अगर कोई न्यूज निकल के आ रही है तो हो सकता है उसको तोड़ मड़ोड़ के कुछ और दिखाया जाए, तो पता नहीं क्या चल रहा है, और अगर सच भी हो तो हो सकता है अभी हमें दिखाएं झूठ दिखाएं और बाद में फिर जाके हमें पता चले कि यही सच न्यूज थी, कुछ भी हो सकता है क्योंकि चाइना से तो कुछ न्यूज आती है, ऐसा नहीं कोई बाहर जियोपॉलिटिकल में ऐसा कोई न्यूज नहीं आई है जहां पे चाइना हार गया हो। कई बार ऐसा होता है कि अगर कहीं डिफीट हुई है चाइना के तो सोच सकते हैं अच्छा मैनेजमेंट चेंज हो गया, पर ये तो इंटरनली मतलब पावर गेम है कि कोई और चाहता है कि मैं बनूं और इसको हटाऊं, जैसे पाकिस्तान में नहीं होता रहता वो इसकी वजह से नहीं है कि चाइना की परफॉर्मेंस खराब हुई है कुछ, पर कोविड की वजह से भी तो प्रॉब्लम थी, पर पब्लिक ने रिवोल्ट नहीं किया है, ये तो इंटरनली पॉलिटिकल गेम पावर गेन करने के लिए जो टॉप के हैं उनमें से हो रहा है कि जैसे कहते हैं ना षड्यंत्र कि इसको हटाएं और खुद बने, कभी ना कभी तो हर हर हटना ही था, जहां पे डेमोक्रेसी है वहां तो क्लियर है आपका टर्म खत्म होगा, दोबारा नहीं आ सकते, अगर आपके टर्म में ऐसा है कि आप वोटिंग से हमेशा आ सकते तो वोटिंग डिसाइड करेगी, पर यहाँ पे तो वही है ना, यहाँ पे तो जोर जबरदस्ती से ही बनते हैं, जोर जबरदस्ती से यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे जब तक दम है तब तक आप जब तक षड्यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं करते रहिए, जैसे ही आप थोड़े वीक हो गए दूसरा बंदा हटा के चला जाएगा। मैंने तो ये भी पढ़ा था कि वो कह रहे हैं कि इसीलिए इतने टाइम तक बाहर निकल नहीं रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि प्रॉब्लम इंटरनली कुछ हो सकता है, बिजी हो गए, जैसे ही निकले हैं वो प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि वही है ना जैसे पुराने जमाने में राजा होता था जब तक वो बैठा है अपने पैलेस में वो कंट्रोल कर रहा है, पैलेस से बाहर जाता है पीछे सड़े तो सारे जाता है खत्म, तो ऐसा कुछ है। हुआ है पर न्यूज तो बड़ी हुआ है और कंफर्म हो सकता है, अगर इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुए तो कोई वजह होनी चाहिए, और अगर जैसे कह रहे जी जिनपिंग को नहीं किया हुआ हाउस अरेस्ट तो इमीजिएटली आके बोल सकते हैं, अगर कोई जवाब ही नहीं आ रहा इतने रूमर्स के बीच में तो है ही, सुबह की जब मैंने न्यूज़पेपर देखी थी उसमें तो नहीं था, यूएसए में तो कोई ऐसी न्यूज नहीं आई अभी तक, नहीं आई है। अच्छा चलो देखते हैं, मैं ऋषि को भी कहूंगी कि उसके कई फ्रेंड्स हैं ना जिनके कॉन्टेक्ट शायद उनके रिलेटिव रिलेटिव रहते होंगे चाइना में, पूछती हूँ कि कुछ पता चल सकता है, अगर पता चला तो चुपके से शेयर करूंगी, किसी को बताना मत नहीं तो ऋषि फंस सकता है। ठीक है तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।